गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी यानी ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी जो पार्ट है उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है, तो भू संचलन यानी अर्थ मूवमेंट। और अर्थ मूवमेंट में क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ते हैं, तो भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपको जेम्स हटन का नाम आएगा, जिसमें प्रथम श्रेणी की भू आकृतियाँ, द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, और उसके बाद भू संचलन, वो अंतर जात बलन, फिर बाहर बहिर्जात बलन, फिर भूकंप, ज्वालामुखी, वलन यानी कि वलन मतलब क्या होगा, उसको उसको कहेंगे हम कंपरेंस, और भ्रंश यानी फॉल्ट, महाद्वीपीय प्रवाह तथा प्लेट टेक्टोनिकी यानी कि प्लेट विवर्तनिकी की क्रिया, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। और पहले भी इसका हम लोग वीडियो बना चुके हैं, तो आशा करते हैं कि वो देखे होइएगा तो काम देगा। और उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, इससे संबंधित जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसका हम लोग आज कुछ देखते हैं कि कितने क्वेश्चन अब तक पहले एग्जाम में आए हुए हैं और इससे संबंधित कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ पहला क्वेश्चन देखिए। भू आकृतियों के संदर्भ में चक्रीय पद्धति की अवधारणा का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था, याद कर लीजिए, ये बार बार आता है, जेम्स हटन का नाम। दूसरा देखिए, भू संचलन के प्रमुख कारण क्या है, भू संचलन का जो प्रमुख कारण है वह क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापीय विषमता है, पृथ्वी के भीतर चट्टानों का फैलाव और सिकुड़न है, पृथ्वी के भीतरी भागों में द्रव पदार्थों का स्थानांतरण है, यानी कि सब कुछ होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्वत निर्माणकारी शक्तियों से संबंध रखता है, तो चटकन यानी अगर दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, चटकन हो जाएगा, संवलन और वलन यानी दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, इस तरह से मूवमेंट होगा ऊपर नीचे, जिसको वलन कहेंगे। तो ये तीनों क्रियाएं यानी इसका भी उत्तर क्या होगा, तो डी होगा। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप का अधिकेंद्र देखिए, यहाँ पर उस स्थान पर यह मान लेते हैं पृथ्वी, उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहाँ भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है, मतलब देखिए यहाँ पर प्लेट का मूवमेंट हुआ अतः यहाँ पर भूकंप का केंद्र उत्पन्न हो गया, तो और इसके ऊपर अधि केंद्र होता है, यह सेंटर है और यहाँ पर हाइप, यही क्या है नाम इसका, तो भूकंप का अधि केंद्र यानी फोकस होता है, तो इसी की बात हो, ये 90 डिग्री ऊपर होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अस्पष्ट जानकारी मिलती है, अस्पष्ट जानकारी की बात हो रही है, तो कैसे मिलेगा, भूकंपीय तरंगों से अस्पष्ट जानकारी। और पृथ्वी के अंतर्गत बलों यहाँ इंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल होना चाहिए, का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भूकंपीय तरंगे, सिंपल सा इसका उत्तर है, यानी जो पृथ्वी के जो परत है इसके नीचे से जो उत्पन्न हो। आगे देखिए, जिन भूकंपीय तरंगों के कारण शैल कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है, शैल किधर, जिग जैग मोड में यानी आगे पीछे कंपन हो, तो वो किसके कारण, तो प्राइमरी वेग के कारण, पी वेग ये आगे पीछे करता है, और जो एल वेव यानी लव वेग होता है यह इस जिग जैग मोड में काम करता है, जो सबसे अधिक विनाशकारी होता है, और पी वेग यह ध्वनि तरंग के माफिक होता है और यह ठोस द्रव दोनों में गुजर सकता है, वहीं जो सेकेंडरी वेव है वह केवल ठोस में ही गमन कर पाती है। हमारी पृथ्वी में भूकंपीय तरंगों की सबसे अधिक गति 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है, यहाँ पी एवं एस तरंगों की गति क्रमशः हो जाती है, तो यही पृथ्वी है, यह केंद्र है, यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ तक कोर है, यह मेंटल है और यह ऊपर परपटी है, तो बात हो रही 2900 किलोमीटर की गहराई, यानी 2900 किलोमीटर मतलब क्या, ये आपकी मेंटल की बात हो रही है, यहाँ पर सबसे अधिक है यानी कि यहाँ पर ठोस अवस्था में है, तभी ना पी और भूकंपीय तरंगों की गति सबसे अधिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे अधिक गति अगर पी प्राइमरी वेग तो यह 7.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड और सेकेंडरी वेव 4.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ज्वालामुखी उद्गार के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं है, तो कौन नहीं है, ये हवाई जंतु
याद कर लीजिए, हवाईयन तुल वोल्केनो जो है वो सबसे अधिक सक्रिय है, लेकिन यह विस्फोटक नहीं है क्योंकि यह कम एसिडिक है, अतः यह अधिक तरल है। निम्न में से कौन सा एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? शील्ड यानी शंकु की बात हो रही है, तो इसका उदाहरण कौन है? तो फुजियामा, विसुमियस, मोनालोआ या कोटोपैक्सी। तो इसका उदाहरण कौन है? यहाँ देखिए, शील्ड है मोनालोआ, इस तरह से है गुंबद लेखा। और अगर जो अधिक ज्वालामुखी वह पहाड़ बना देगा इस तरह से, शंकु टाइप का। यह शील्ड है, सॉरी, यह गुंबदाकार डोम शेप, और यह शंकुनुमा बनाएगा। कौन से? तो कौन से कौन कौन होगा? विसुवियस, फ्यूजियामा और कोटोपैक्सी। यानी इसका लावा क्या होगा? तो अधिक तरल, तरल कम तरल है किसके? मोनालोआ के अपेक्षा, जिस कारण यह ज़्यादा दूर तक न जा पाएगा। लेकिन मोनालोआ है वह इस तरह से पसर जाता है और वह बहुत कम यानी गुंबदाकार आकृति बना लेता है। निम्न में से कौन मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है तथा जो अवसादी शैल के संस्तर पर लगभग लंबवत होता है? तो ऐसा कौन है? तो याद कीजिए, यह डाइक याद कर लीजिए, यह दीवार की तरह निर्मित होगा। वलन जिसमें एक छोर तो सतत ढाल की ओर तथा और मध्यम ढंग से झुका होता है, जबकि दूसरा कोण, दूसरा जो ढाल है यानी ये 90 डिग्री होगा, एक ऐसा होगा, जबकि दूसरा समकोण बनाता हुआ तथा खड़े ढाल वाला होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसका सही उत्तर याद कर लीजिए, एकनत वलन, यानी एक तरफ ही इसका झुकाव है, एक तरफ तो 90 डिग्री पर खड़ा है यह। यदि किसी वलन की दोनों भुजाएं अनिवार्य रूप से समानांतर व क्षैतिज हो तो वह कहलाता है, यानी दोनों अगर समान हो तो क्या कहेंगे? और समानांतर व क्षैतिज हो, वलन की दोनों भुजा अनिवार्य रूप से समानांतर और क्षैतिज हो जाए, ऐसे उसको क्या कहेंगे हम लोग? सयान वलन। ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीयकरण के संबंध में निम्न में से कौन संयोजन सही है? तो कौन सही? यहाँ देखिए, समुद्री नितल प्रसरण, अधपतन सीमाएं तत्व और उष्ण स्थल यानी हॉट स्पॉट, ये तीनों आवश्यक हैं किसके लिए? तो ज्वालामुखी क्रिया के लिए। यहीं पर इन तीनों जहाँ मिलन हो जाएगा वहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी ये मूल का है? बताइए, ज्वालामुखी मूल के इसमें कौन है? तो डी यूनियन जो आइलैंड है, या हॉट स्पॉट या हॉट स्पुलूम जो है उसके ऊपर स्थित है, तो 15 का ये है। मालदीव क्या है? तो ये हम लोग जानते हैं कि मालदीव और जो लक्षद्वीप है ये सब क्या है? तो ये सब कोरल रीफ है। और अंडमान तो पहाड़ का चोटी है। 18-16 में देखिए, जब किसी वलन के फलकों की नीति एक ही दिशा में और एक ही कोण पर होती है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मान एक ही तरफ झुका हो तो वह, उसको क्या कहेंगे? एकनत वलन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर सब अंग्रेजी में दिया है, तो यहाँ देखिए आइसो क्लाइन, यानी एक ही दिशा में और एक ही कोण पर हो तो उसे आइसो क्लाइन कहते हैं। एकनति वलन सामान्यतः संबंधित है, एकनति वलन जो सामान्यतः संबंधित है तो किससे है? तो नत संस्तर से है। किससे? तो नत संस्तर से है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिकी शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? विवर्तनिकी क्रिया, तो क्या कहेंगे उसका हम लोग? तो रिफ्ट वैली और आंध्र घाटी, तो ये तो कास्ट्रोपोग्राफी है। भी आकार वाली घाटी या हैंगिंग वैली, तो ये तो आपका हिम्स हिमस्खलन, यानी क्या कहेंगे उसको हम लोग? तो सही है, हिमस्खलन है। और भी आकार की घाटी, थे तो जलीय अपरदन है और यह हिम अपरदन है। पर्वत वलन पर्वतों में अवसादी शैलों की बृहद मोटाई क्यों होती है? वलन पर्वत यानी कि इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो इसमें अवसादों की मोटाई क्यों होती है बताइए? इसका कारण क्या है? कि भू अभिनति में अवसादों के संचयन के कारण, क्या और दूसरा हो सकता है? यहाँ सिंपल सी बात है, देखिए लाखों लाख वर्षों तक घाटी में अवसादों के निक्षेप के कारण, यहाँ जब पहले यह इलाका गड्ढा था, अब निक्षेप हो गया, फिर दोनों तरफ से जो वलन की प्रक्रियाएं हैं वह जोर आजमाइश करें, जिस तरह से यह इसका इलाका हो गया, कुछ नीचे गया कुछ ऊपर गया, तो जो यह अवसाद था यही ना ऊपर की तरफ इसका अपलिफ्टमेंट हुआ, जिस कारण इसमें अवसादी सेलों की मोटाई अधिक है। निम्न में से कौन सी एक नदी ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासजेस पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन नदी है? याद कर लीजिए, राइन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्वी अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें जो विक्टोरिया झील है,
वह भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। तो टंगुया निका झील, अलबाटा झील, तुर्काना झील, ये सब किसके तो भ्रंश घाटी के भाग हैं, लेकिन विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी का भाग न है। कगार कब विकसित होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का पश्चिमी घाट है क्या है, तो कगार नुमा है, यानी इस तरह का खरा ऐसे है, मतलब यहाँ से टूट गया है वह। तो कगार कैसे नीचा होगा, जब कोई या तो ऊपर चला जाए या नीचे, एक परत उसके नीचे डाउनवर्ड हो या एक परत उसका सीधा अपवर्ड हो जाए। तो जब खंड भ्रंश तल के अनुदिश ऊपर चला जाए, तो यह भी सही है, तल क्या था पहले बराबर था, यह उसके एकदम सीधा ऊपर उठ गया तो कगार बन जाएगा। दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित सकरा खंड यानी ब्लॉक क्या कहलाता है, दो समान इलाका था लेकिन बीच में पहले यह उठ गया, या यह उठ गया या बगल वाला दोनों नीचे चला गया। तो जो ऊपर का स्थित है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग हॉस्ट। सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान क्या कहलाता है, समान भ्रंश में जो क्षैतिज विस्थापन है उसका मान तो पार्श्व क्षेप यानी कि ह्यू कहलाता है। तो समान भ्रंश है सिंपल, इस तरह का मूवमेंट हो रहा है जिसमें कोई इलाका यह नीचे की तरफ चला गया, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको पार्श्व क्षेप यानी कि ह्यू कहेंगे। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, सबसे लंबी जो विश्व की भ्रंश घाटी है वह जॉर्डन से लेकर जाम्बेजी नदी तक है। अपरदन के फलस्वरूप ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति होती है, उदाहरण स्वरूप सतपुरा, विंध्यन, पश्चिमी घाट, पेनाइन, यूराल आदि। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वास्तव में पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है जिसे नदियों ने जगह जगह काटा है। तो उपरोक्त कथन संबंधित हैं, तो ये सब कैसे पर्वत हैं, तो ये सब के सब आपके भ्रंशोत्सव पर्वत हैं, यानी कि भ्रंश के कारण ही इनका अस्तित्व सामने आया, लेकिन वर्तमान में ये घिस चुके हैं, अतः इसका सही उत्तर क्या होगा, ये अवशिष्ट पर्वत हैं। लाल सागर इनमें से किसका एक उदाहरण है, लाल सागर की बात हो तो लाल सागर उदाहरण है भ्रंश घाटी का यानी रिफ्ट वैली का। वेगनर का प्रवाह सिद्धांत ड्रिफ्ट थ्योरी मुख्य रूप से निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए निरूपित किया गया था। तो वेगनर का जो प्रवाह सिद्धांत था वह किसके लिए है, तो सिंपल से याद कर लीजिए, यह मुख्य रूप से निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए, तो यह हिमयुग या स्थलाकृतियों का वितरण यानी महाद्वीपों का ही वितरण तो था यह, लेकिन इसमें क्या उत्तर माना गया था, तो जो जल ये वेगनर महोदय थे यह मुख्य रूप से जलवायु विज्ञानी थे, और इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन ही इनके जो सिद्धांत का मुख्य आधार था। इसमें इन्होंने बताया या तो पृथ्वी पर जो जलवायु है वही बदल गया होगा, या पृथ्वी का जो प्लेट है या पृथ्वी का जो भाग है उसी का मूवमेंट हो गया है, और इनका मुख्य आधार जलवायु ही था। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है, वेगनर के हिसाब से जो महाद्वीप का विस्थापन हुआ तो कैसे हुआ, तो इन्हों के अनुसार ये ज्वारी के बल यानी सूर्य और चंद्रमा का बल इतना शक्तिशाली था उसने पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्थापन करा दिया था। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन किस काल में हुआ, हम लोग जानते हैं कि एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था और एक सुपर इम्पोज सागर उसी क्या था उसका नाम पेंथ लासा था, और पेंजिया बीच में से टूट गया, उसका विभाजन हो गया दो भाग में, नॉर्थ वाले को क्या कहते हैं हम लोग अंगारा लैंड, साउथ वाले को गोंडवाना लैंड। तो इनका विभाजन किस युग में हुआ, तो किस युग में हुआ था याद कर लीजिए, कार्बोनी फेरस युग में हुआ था। वेगनर के हिसाब से महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है जो महाद्वीपों का विस्थापन किधर, आजकल जो यह पृथ्वी है तो इसके उत्तरी भाग में ही अधिकतर महाद्वीप हैं, दक्षिणी भाग में कम महाद्वीप हैं, दक्षिण भारत में मात्र 19% भाग पर ही महाद्वीप है जबकि उत्तरी भाग में यह आंकड़ा लगभग 40% है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो इनके हिसाब से जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ वह भूमध्य रेखा पर तो हुआ ही, ये तो सब में कॉमन है, लेकिन कि और किधर उसका सीधा तो 90 डिग्री पर वह गया नहीं, तो वह भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर यानी इस साइड में सब का मूवमेंट हुआ था। प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स की संकल्पना की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा यानी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना याद कर लीजिए हैरी हैस ने, और नाम कौन दिया था, तो टूजो विल्सन याद करेंगे।
प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परम महाद्वीप है? तो यूरेशिया। यूरेशिया मतलब कौन? यूरोप और एशिया का भाग, तो वह यूरेशिया कहलाता है। प्लेट विवर्तनिकी में प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता है। प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता क्या है? तो इनका जो विशेषता है वह है समुद्री नितल प्रसरण। प्रतिगामी मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो समुद्र का नितल है, इसका फैलाव हो रहा है, प्रसरण हो रहा है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में तरंग संवहन तरंगों का सिद्धांत समाहित है? संवहन तरंग, तो यह महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत या निहारिका संकल्पना, यह तो नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समाहित है, या उसके अंदर उसका सार है। तो कौन है? यह प्लेट विवर्तनिकी, यानी यह पृथ्वी है, नीचे इस तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसमें से धाराएं इस तरह से ऊपर उठते रहती है। तो जहाँ पर धाराएं ऊपर उठती है वहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, और जहाँ पर प्लेटें धाराएं नीचे गिरती है वहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के पास आती है। तो वही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समाहित था। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एल तरंगे भूपटल के तल के साथ ही गतिमान होती है, तो छह सही है। आगे देखते हैं। पी तरंगे जब प्रसारित होती है तब वे वस्तुओं को अपनी गति की दिशा के समानांतर पथ में गतिमान करती है, तो जो प्राइमरी वेग है यह ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है। एस तरंगे पिंडों को अपनी गति की दिशा के समकोणिक दिशा में गतिमान है, तो यह प्रकाश तरंग की तरह चलता है। और एस तरंगे तरल पदार्थों में भी प्रसारित होती नहीं, एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थ में ही गमन करेंगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन ट्रेप क्षेत्र विश्व का बृहत्तम ज्ञात पूरे बैसाल्ट प्रदेश है, तो यह भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया पठार बृहत्तम ज्ञात पूरे बैसाल्ट प्रदेश है, यह भी सही है। हवाई द्वीप में कम से कम 7 संलयित ज्वालामुखी गुंबद हैं, यानी क्या कहेंगे उसको हम लोग, शील्ड हैं या डोम शेप कहेंगे, तो यह भी सही है। दो गुंबदी शील्ड यानी ज्वालामुखियों मोना लुआ और मोना कुआ शिखर की ऊंचाई सागर तल से 6500 मीटर से कम है, ऐसा तो कहीं बात नहीं है, यह गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है बताइए? तो विंध्यन समूह मुख्यतः बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शैल से निर्मित है। हम लोग जानते हैं कि विंध्यन क्रम की श्रेणी भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, अतः यह सही है। भारत में आद्य महाकल्पीय नीस एवं शिष्ट प्राचीनतम चट्टाने हैं, सही है। गोंडवाना समूह की चट्टाने नदीय या सरोवरीय उत्पत्ति की देन है, तो यह भी सही है। लेकिन ओलिगोसीन समय के ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण दक्कन ट्रेप की रचना हुई थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो 38 का डी क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही तो यही बता रहा है कि ओलिगोसीन के समय ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण दक्कन ट्रेप की रचना हुई थी, तो ये आपका ये 38 का डी सही है। लेकिन गोंडवाना समूह की चट्टाने नदी नहीं, यह तो उत्तर भारत के मैदान के बारे में है, सही है। भारत के आद्य महाकल्पीय नीस और शिष्ट प्राचीनतम चट्टाने नहीं, वो तो बैसाल्ट है। और विंध्यन समूह मुख्यतः बालू का पत्थर और चूना पत्थर से तो है, लेकिन सेल कहाँ है उसमें उतना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए, ज्वालामुखी छिद्र का विस्फोट के साथ उड़ जाना कॉल्डेरा कहलाता है, सही है। और लावा का क्षैतिज संस्तरों में जमाव डाइक है, नहीं यह क्षैतिज नहीं है, ऊर्ध्वाधर है। लावा का अपनतियों एवं अभिनतियों में जमाव, अपनतियों इस तरह से, तो फैकोलिथ है, सही है। सबसे बड़ी अंतर्वेधित अग्नि संरचना बैथोलिथ है, यह भी सही है, लेकिन यह क्षैतिज नहीं होगा, यह ऊर्ध्वाधर है। प्लेट विवर्तनिकी अध्ययन से संबंधित सत्य कथन को पहचानिए। पृथ्वी पर 6 बड़ी तथा 60 छोटी प्लेटें हैं। पृथ्वी पर 6 बड़ी प्लेटें और 60 छोटी प्लेटें मान सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो यह 12 भी लिखा रहता है, लेकिन चलिए मान लेते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे हम लोग, कारण इसमें सत्य कहना है तो यह गलत हो गया आपका, 6 नहीं 12 है। कटकों का निर्माण अपसारी क्रिया से नहीं, संरक्षी क्रिया से नहीं। संरक्षी मतलब क्या होता है? समानांतर क्रम इससे नहीं होता है। कटकों का निर्माण कैसे होगा? जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यहाँ देखिए 1 मिनट, और इस तरह से यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो कटक का निर्माण हो जाता है। हिमालय की उत्पत्ति महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अभी
सरण से हुई है, यह तो अभिसरण से भी हुई है, लेकिन यह भूसन्नति मुख्य रूप से इसको कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय मोर्गन को है। तो 40 का जो डी है यही सबसे परफेक्ट आंसर है। पृथ्वी के अस्थल मंडल की बड़े पैमाने पर गतियों का वर्णन करने के लिए प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताइए। विवर्तनिकी प्लेटें महासागरीय स्थल मंडल और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थल मंडल से बनी हुई है, तो इसमें से कौन एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो विवर्तनिकी महासागरीय जो स्थल मंडल है यह और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थल मंडल से बनी है, यह सही है। पृथ्वी के स्थल मंडल की प्रबलता अंतर्निहित दुर्बलता मंडल की अपेक्षा उच्च होने के कारण विवर्तनिकी प्लेटें गति करने में समर्थ हैं। पृथ्वी का स्थल मंडल विवर्तनिकी प्लेटों में खंडित है, यह भी जानते हैं। अपसारी प्लेट सीमाओं के अनुदिश सबडक्शन प्लेटों को आवरण के अंदर ले जाती है। अपसारी नहीं, जहाँ अभिसारी होगा वहाँ पर वे एक दूसरे के अंदर जाएंगे, अपसारी में तो वे दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। असत्य विकल्प की पहचान कीजिए, यानी इसमें 3 सही होगा, 1 असत्य होगा। विश्व के 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट के किनारे के सहारे, रचनात्मक यानी जो एक दूसरे से दूर जाए, एवं 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के किनारे सहारे पाए जाते हैं, सही है। अमेरिकी प्लेट के पश्चिम की ओर गतिशील होने के कारण अटलांटिक महासागर फैल रहा है, जबकि प्रशांत महासागर संकुचित हो रहा है। तो क्या ऐसा सही है? तो यह भी सही है, क्योंकि मिड ओशियनिक रेज कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में है, अतः अटलांटिक महासागर का फैलाव जारी है। चापाकार द्वीप समूह की उपस्थिति महासागर के मध्य में मिलती है। क्या ऐसा हो सकता है जो मध्य में चापाकार? नहीं, वो तो प्रायः महाद्वीपों के आसपास ही उपलब्ध होते हैं, अतः यह गलत हो गया। कभी कभी एक प्लेट के दो सिराओं में एक साथ स्थानांतरण के प्रमाण मिलते हैं, सही बात है, मिल जाते हैं, जैसे प्रशांत महासागर। नए निर्मित चट्टान पुराने समुद्री पटल को भ्रंश क्षेत्र से दूर धकेलते हैं, इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है? नए निर्मित चट्टान पुराने समुद्री पटल को भ्रंश क्षेत्र से दूर धकेल रहे हैं, तो दूर धकेलेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? तो जिसका जो परफेक्ट उत्तर होगा, यहाँ देखिए, भ्रंश क्षेत्र से दूर समुद्री पटल की आयु बढ़ती जाती है। दिए गए विकल्प का अध्ययन कीजिए एवं असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका ध्यान देखिए, द्वीप समूह महाद्वीप अभिसरण में द्वीप समूह एवं महाद्वीप के मध्य का समुद्री प्लेट एस्थेनोस्फीयर में क्षेपित होता है, हो जाते हैं, तथा द्वीप समूह के तलछट तथा ज्वालामुखी चट्टान महाद्वीपों के किनारों पर जमा हो जाते हैं, तो सही है। तीसरे प्रकार का अभिसरण महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण है, यानी एक अभिसरण होता है ओशियन ओशियन, एक होता है ओशियन महाद्वीप, तीसरा होता है महाद्वीप महाद्वीप। तो यही उस पूरा का पूरा क्या होगा, यही अभिसरण है, सिंपल इतना ही याद कर लीजिए। यह हमारे ओशियन ओशियन प्लेट है, ओशियन और महाद्वीप महाद्वीप प्लेट होगा, और महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट होगा, यही तो 3 हो सकता है, दूसरा क्या होगा, इन्हीं का टकराव होता है। तो तीसरे प्रकार का अभिसरण महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण है, दो महाद्वीपों के निकट आने तथा टकराव एवं समुद्री बेसिन के संकुचित होने के कारण होता है। हाँ, बीच में अगर समुद्र है वह गायब हो गया, जैसे कि टेथिस सागर गायब हो गया। इसी प्रकार के टकराव के परिणाम स्वरूप कैलिफोर्निया में सियरा निवादा पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या यह सही है? तो 44 देखिए, 44 में हमें क्या करना था, असत कथन की पहचान करना था, इसमें सब के सब सही है, यानी इसी प्रकार के टकराव के परिणाम स्वरूप कैलिफोर्निया में सियरा निवादा पर्वत का निर्माण हुआ, कब? तो मेसोजोइक काल में हुआ था। ज्वालामुखियों के विषय में कौन सा कथन सत्य है, यानी बाकी सब गलत होना चाहिए, नहीं तो सब हो सही होगा। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, पाइप कहते हैं, जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, यानी यह ज्वालामुखी पाइप की बात हो गई, तो पहला तो सही हो गया। अक्सर इन नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, इसी बात हो गया, यानी इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, तो यह क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो क्रेटर हो गया।
और इसके चारों तरफ लावा जम गया, तो यह पहाड़ हो गया है। ज्वालामुखी जागृत, सुषुप्त, शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए गए हैं। यह सही है, इसका सब सही है। यहाँ देखिए 46 नंबर, 46 में पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें एवं स्थलों की पहचान करें। ए बी सी है और यहाँ पर इस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है और यह बेनी ऑफ जोन है। तो इसमें बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। हम तो जानते हैं कि स्थोनोस्फीयर क्या है, दुर्बलता मंडल है, प्लास्टिक स्फीयर है जो लिक्विड है, तथा तो सी तो लिक्विड हो ही गया। चलो तो स्थोनोस्फीयर आपका क्या है, तो लिक्विड है, तो सी लिक्विड हो गया। पहला महाद्वीपीय पर्पटी, सबसे ऊपर वाला यह महाद्वीप है, तो महाद्वीपीय पर्पटी नीचे की ओर जा रही है, तो महाद्वीपीय पर्पटी। दूसरा है यह बी, यह लिथोस्फीयर है। नीचे दिए गए चित्र में ए किस प्रकार के वलन निका निर्मित होना है, ए ए की बात है, ए यहाँ यह लग रहा है जैसे कि यह सो गया है, सिंपल बात है, ए के ऊपर एक चढ़ गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसको देखिए सही उत्तर है शयान वलन। प्रस्तुत चित्र में दिखाया गया भ्रंश उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है, तो यह समानांतर भ्रंश का, या सेंट एंड्रियाज जो इसका उदाहरण सबसे अच्छा है, अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी की बात हो रही है। तो यह इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ समान भ्रंश, तो समान भ्रंश तो यह नहीं है, तो यह इसका उदाहरण याद कीजिए, सिनिस्ट्रल भ्रंश का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश दिए गए चित्र में दिखाया गया है, यानी कि एक ऊपर है और एक नीचे चला गया, यानी एक ऊपर उठ गया होगा चाहे एक नीचे आ गया होगा, सिंपल इसमें इतना ही हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे समान भ्रंश। यहाँ सुमेलित करना है, सुमेलित में क्या करना है, इसे भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार धारवाड़ कल्प में हुआ था। ये कहाँ के बात होगा, यह हम जब भी होगा तो यह दक्षिणी क्षेत्र का बात होगा। इस क्षेत्र में विंध्यन कल्प में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। दूसरा, यहाँ पैलियोजुइक कल्प में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे और इस क्षेत्र में कुडप्पा काल में ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। यानी चारों जगह है जहाँ पर ज्वालामुखी का तो उद्गार हुआ ही था। अब आपको बताना है यह कौन कौन सा क्षेत्र है। यहाँ देखिए जो आपका ए है, इसमें भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र इसे कहा जाता है और इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार धारवाड़ कल्प में हुआ था। कौन है, यह डालमा क्षेत्र है, ए का 3। फिर बी आइए, इस क्षेत्र में विंध्य कल्प में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, तो यह मलानी एवं किराना क्षेत्र, तो बी का 4। यहाँ पैलियोजोइक कल्प में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, तो निम्न हिमालय क्षेत्र, और इस क्षेत्र में कुडप्पा काल में ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, तो डी का ग्वालियर एवं बीजावर क्षेत्र होता है। फिर सूची मिलान करना है, समान भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, पार्श्व भ्रम और स्टेज भ्रंश है। समान भ्रंश मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, समान भ्रंश में एक या तो ऊपर जाएगा या एक नीचे चला जाएगा। तो पहले का क्या होगा, समान भ्रंश यानी दोनों सेल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन होगा, सिंपल इस तरह से, यानी 1 का ये सही है। उत्क्रम भ्रंश यानी दोनों सेल खंडों का एक दूसरे की ओर, मतलब ऐसे दोनों एक दूसरे की ओर दोनों में भिड़ंत हो जाएगा। पार्श्व भ्रंश मतलब भ्रंश तल के सहारे सेल खंड का क्षैतिज विस्थापन होगा, दोनों एक दूसरे के आसपास से गुजर जाएंगे। स्टेज भ्रंश यानी जो भ्रंश श्रृंखलाओं का ढाल उसी दिशा में हो। ज्वालामुखी से निकले ठोस पदार्थ और कण का आकार बताइए, टेल के, स्कोरिया और लेपिली, और यहाँ पर दिया हुआ है तीनों का नाम, इसको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं, तो इसका देखिए उत्तर, जो टेल है यह छोटे छोटे टुकड़े में होता है। फिर जो आपका स्कोरिया है, और जो सॉरी जो टेल्क है यह बारीक धूल कण, सिंपल याद कीजिए टेल्क एंड टेल्कम पाउडर, तो जो टेल्क है वह बारीक धूल कण है, और स्कोरिया है यह क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, और लेपिली है वह मोटर के दाने के समान होता है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है, यह सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है, सिद्धांत है और यह उनके प्रतिपादक का नाम है, तो मिलान करना है।
तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये किसने दिया था? सिंपल, ये तो हर कोई को याद होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी था यह किसका है? तो यह वेगनर महोदय का है। तो 53, तो 53 में सिंपल सी याद कर लीजिए, सॉरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो ये होम्स महोदय का है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यह किससे संबंधित है? वेगनर महोदय से है। फिर समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत, यह आपका है हैरी हेस। संवहन तरंग सिद्धांत, तो जो संवहन तरंग सिद्धांत है यह आर्थर होम्स का है। और प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत यह रीड महोदय का है। आगे बढ़ते हैं, सूची एक सुजीतों का फिर से यहाँ पर मिलान करना है। 54 में देखते हैं क्या है, तो सागर तल फैलाव सिद्धांत। तो सागर तल फैलाव सिद्धांत जोली का है। 1-3 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यहाँ देखिए वेगनर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर, और सागर तल फैलाव सिद्धांत हैरी हेस, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर, यही ना नाम है इनका, जीवन का ये है। ठीक है, सागर तल फैलाव सिद्धांत जॉली, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर, और इलेस्टिक रिबाउंड सिद्धांत तो यह रीड महोदय का है, और रेडियो धर्मी सिद्धांत, तो रेडियो धर्मी सिद्धांत किसका है? तो यह हैरी हेस का है। फिर यहाँ पर वलन के प्रकार है और वलन की विशेषता है। तो सममित वलन, असममित विलन और एकनत वलन। एकनत वलन कैसा होगा? सिंपल से याद कर लीजिए इस तरह से, सममित वलन ऐसा होगा, और असममित वलन यानी उसका कोई जरूरी ना है कि दोनों बराबर हो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो सममित वलन यानी दोनों वलन की, इसमें वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती हैं, तो वह सममित वलन है, यानी वन का ये सही है। और सममित वलन दोनों भुजाओं का झुकाव असमान होता है, कम झुकाव वाली भुजा अपेक्षाकृत लंबी एवं अधिक झुकाव वाली भुजा छोटी होती है। एकनत वलन, इसमें वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी तथा दूसरी भुजा झुकी होती है। 56 नंबर, पर्वत निर्माण सिद्धांत है और उसके प्रतिपादक हैं। यहाँ देखिए खिसकते महाद्वीपों की संकल्पना, तो खिसकते महाद्वीपों की संकल्पना डेली ने दिया था। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस का है। और फिर आपका तापीय चक्र सिद्धांत, तापीय चक्र सिद्धांत जोली का है। और संवहन तरंग सिद्धांत तो ये होम्स का है, आर्थर होम्स। सूची एक और सूची दो का मिलान करना है 57 में, तो 57 का क्या है ना देखिए, भ्रंश की चट्टानों में होने वाला फूल विस्थापन, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे शिफ्ट, फूल विस्थापन यानी शिफ्ट। और भ्रंश तल का ऊर्ध्वाधर के साथ कोण, तो इसको कहेंगे हेज। भ्रंश के सहारे चट्टानों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन, तो इस ऊर्ध्वाधर इसको कहेंगे थ्रो। भ्रंश के सहारे होने वाली सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्लिप। यहाँ पर सूची एक है और सूची दो, इनका मिलान करना है। तो 58 नंबर, 58 में क्या है? ग्रेवन, ग्रेवन क्या है? एक अधो भ्रंशित क्षेत्र, उसे क्या कहेंगे? ग्रेवन। और होस्ट, तो होस्ट क्या होता है? दो भ्रंशों के बीच ऊपर उठा भाग। संपन्नति, तो संपन्नति मतलब एक बृहद अपनति में अनेक छोटी छोटी इस तरह का अपनतिया एवं अभिनतिया, अभिनति यानी ऊपर और अपनति यानी नीचे वाला। और असंवलन, असंवलन मतलब क्षैतिज संचलन से धरातलीय भाग का नीचे धसना, मतलब इसका ए सही होगा। निम्नलिखित को सुमिलित करना है, भूआकृतियाँ हैं और प्रक्रम। क्रेटर ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी का मुख क्या है? क्रेटर है, तो ए का 4 हो गया। फिर आगे देखिए कल्डेरा, कैल्डेरा का मतलब विस्तृत गोलाकार गड्ढा। फिर तीसरा लेपिली, ज्वालामुखी विस्फोट से निस्तृत पदार्थ। और सिंडर शंकु, तो विस्फोटक उद्गार से निर्मित जमाव होता है।
फिर यहाँ पर कारक है और उसके घटक हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो नाम क्या है उसका, कोटा कोटोपैक्सी, यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो 60 का सही क्या होगा, तो ए का 4 है, और यहाँ देखिए ये दोनों में ए का 4 हो गया। सदैव प्रज्वलित तो गैसें निकलती रहती हैं, तो अतः इसे पर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, किसको, तो एस्ट्राम बोली को। चलिए दूसरा भी सही, दूसरा भी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी कैसे हैं, तो ये सब के सब मिश्रित शंकु हैं, और ज्वालामुखी की नलिका से छोटी छोटी नई उपशाखाएं निकल आती हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे परिपोषित शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परिपोषित शंकु कहते हैं। अब फिर एक मिलान करना है, सूची एक है और सूची दो है, तो देखते हैं। यहाँ पर डाइक दिया हुआ है, तो डाइक, बैथोलिथ, सील, और भी कुछ है इधर ना है, तो इसका देखिए, तो डाइक, डाइक क्या है, यह पटल के भीतर दरारों में अग्नेय चट्टानों का पतला एवं लंबोत निर्माण है, जो मैग्मा के जमाव का परिणाम है, क्योंकि यह अभियंतरित स्थलाकृति काफी तेजी से ठंडी होती है, अतः इनकी चट्टानों के खनिज कण काफी सूक्ष्म होते हैं, यानी धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसका जो कण है वह सूक्ष्म होगा, सॉरी, जो स्थलाकृति का काफी तेजी से ठंडी है, अगर जल्दी ठंडा हो जाएगा तो उसमें जो कण होगा वह महीन महीन होगा, अगर धीरे धीरे जमा होगा उसका कण दानेदार बड़ा बड़ा होगा। तो डाइक का तीसरा है। फिर बैथोलिथ, यह अभियंतरिक चट्टानों का विशाल प्लूटोनिक भाग है, यानी जमीन के अंदर जमा है, यह 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ होता है। सील, यह मैग्मा का जमाव लगभग क्षैतिज रूप में है, परतदार या रूपांतरित चट्टानों की विभिन्न परतों के मध्य होता है, जो तो सील का निर्माण होता है। यह मैग्मा का जमाव अगर लगभग क्षैतिज रूप में परतदार या रूपांतरित चट्टानों के विभिन्न परतों के बीच में हो जाए तो वह सील कहलाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं परिप्रशांत पेटी में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यह नवीन वलित पर्वत का एक क्षेत्र है, तो यह भी सही है। दूसरा देखिए, नवीन सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर, यह भी सही है। अपसारी प्लेट सीमा का क्षेत्र, नहीं यह अभिसारी सीमा का क्षेत्र है, अभिसारी प्लेट सीमा का क्षेत्र है, एक दो और चार सही है। निम्नांकित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है बताइए, तो एटना, विसुवियस, अकांकागुआ और फिजुआमा। जो फुजी ईयामा है वह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो फुजियामा 3 को काट दीजिए, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, चलिए तो ये तो नहीं होगा। अब आगे देखिए, अकांकागुआ यह भी सक्रिय नहीं है, तो एटना सक्रिय है और विसुवियस सक्रिय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रिक्टर स्केल पर लघु गणकीय लोगरिथम मापक्रम है, तथा इसके परिणाम स्वरूप परिणाम मात्रक में एक की वृद्धि होने पर आयाम के 10 गुना वृद्धि हो जाता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना वृद्धि होती है। तो 64 का सही क्या है, 64 में देखिए केवल एक सही है कि यह 10 गुना बढ़ता है, न कि 100 गुना बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध तृतीय श्रेणी की भू आकृतियों से है, पहला श्रेणी में कौन है, तो महाद्वीप, महासागर, द्वितीय श्रेणी, तो द्वितीय श्रेणी में पहाड़ पठार, तृतीय श्रेणी में इन दोनों के अपवर्धन और अपक्षय तथा डिपोजिशन से बने हुए आकृति। तो तृतीय श्रेणी की बात हो रही है तो इसमें पठार तो नहीं होगा, तो दो अगर हम लोग हटा देंगे तो बचा कौन, तो सिंपल देख लीजिए, पहाड़ ये पठार नहीं है, तो दो काट दीजिए, दो दो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, यानी केवल इसका उत्तर यह है। बाढ़ का मैदान, हिमगह्वर और हिमोर, ये सब तृतीय श्रेणी की भू आकृतियाँ हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ पटल विरूपणी शक्तियाँ हैं। चट्टानों में तनाव और संपीड़न दो प्रकार की स्थितियाँ पैदा होती हैं, वलन चटकन तथा भ्रंश आदि शक्तियों से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें से बताना है कि सही कौन है, सिंपल सी बात है।
तो जो 66 का उत्तर है, बलन चट्कन भ्रंश आदि शक्तियों से स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो नॉर्मल सी बात है, होता है। तो यह जो तीसरा भी सही है, चट्टानों में तनाव और संपीड़न दो प्रकार की स्थितियाँ हैं, यह भी सही है। तनाव यानी इसमें एक दूर जाएगा, संपीड़न यानी दोनों आपस में पास आ रहे हैं। महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ पटल विरूपणी शक्तियाँ हैं, यह भी सही है, यानी पटल में विरूपण यानी विकृति ला देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तनाव खिंचाव द्वारा चट्टानों का फैलना, भिंचाव द्वारा, तनाव द्वारा क्या होगा, तनाव और खिंचाव से चट्टान फैल जाएगा, भिंचाव दबाव द्वारा चट्टानों का सिकुड़न, और इन दोनों से क्या होता है, तो चट्टानें टूट जाती हैं। तो इसका सही एक और दो दोनों सही है। भूकंप संबंधी सभी कथनों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि इसमें सत्य कौन सा है। भूकंपीय तरंगे भूगर्भिक तरंगे व धरातलीय तरंगे होती हैं। पी तरंगों का संचलन अनुप्रस्थ प्रकृति, यह ध्वनि टाइप का है तो पी कैसे चलेगा, तो ध्वनि और यह इसमें अनुप्रस्थ है, यह उल्टा हो गया, अनुदैर्ध्य है वह। पी और एस तरंगों की खोज कोर्नाड ने की थी। भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र में 105 से के भीतर ही पी तथा एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करती है, तो चौथा सही है। और जो पी तरंगों का संचलन है यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, तो यह दूसरा तो गलत हो गया। तो दूसरा किस किस में है, सब में, तो बचेगा कौन, सी। 68 का देखिए उत्तर सी सही है, यानी भूकंपीय तरंगे भूकंपीय तरंगे यहाँ देखिए तरंगे भूगर्भिक तरंगे व धरातलीय तरंगे होती हैं। पी और एस तरंगों की खोज कोर्नाड ने की थी। भूकंप लेखी पर भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर ही पी तथा एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करती है, सही है। इसमें आपको असत्य कथन चुनना है, तो देखते हैं। कुछ पर्वत ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं, इनका निर्माण पृथ्वी की सतह पर मैग्मा के जमाव से होता है। ज्वालामुखी पर्वत छिटपुट रूप से पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं, जैसे माउंट सेंट हेलना, रेनर, बेकर, या ये स्थानीय हॉटस्पॉट के कारण भी निर्मित होते हैं। इतना लंबा चौड़ा लिखा तो यह गलत करने के लिए तो लिखेगा नहीं, तो यह सही हो गया। लेकिन इसमें असत्य कथन पहचान करना है, अतः यह कथन तो सत्य कथन है। दूसरा देखिए, अधिकांश पर्वतों का निर्माण टेक्टोटेनिक टोनिक बलों के कारण चट्टानों में उत्पन्न भ्रंश वलन के कारण होता है। टेक्टोटेनिक पर्वत एक अकेला पर्वत श्रेणी के रूप में हो सकता है, जैसे यूराल, या अनेक पर्वत श्रेणियों का क्षेत्र हो सकता है, जैसे उत्तर अमेरिकी पर्वतीय श्रेणी। यानी इसमें असत्य कथन कौन है, तो कोई नहीं है, ना एक है ना दो है, दोनों सही हैं। वालित पर्वत के संबंध में कुछ कथन है, बताइए कि इसमें सही कथन कौन है। ये अधिकतर प्राचीन रवेदार चट्टानों के स्थिर क्षेत्र के बाद स्थिर होते हैं। वालित पर्वत, इनका शिखर असम व अधिकांश हिम व बर्फ से ढका रहता है, यह तो सही है। दूसरा, वालित पर्वत दक्षिणी अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं, तो वालित पर्वत दक्षिण अमेरिका में नहीं, ऐसा है, एंडीज पर्वत कहाँ है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है। तीसरा गलत है, हमें पता है कि तीसरा गलत है, तो देखिए तीसरा कहाँ कहाँ है, बी में है, सी में है, डी में भी है, तो बचा कौन, ए में नहीं है। तो 70 का उत्तर देख लीजिए, तो 70 का उत्तर कौन होगा, डी होगा, यानी इसमें कौन कथन सही है। तो वालित पर्वत दक्षिण अफ्रीका में नहीं पाए जाते हैं, अभी गधा, एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में ही न है, पता है। तीसरा गलत है, एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एंडीज पर्वत, न्यूलैंड, फिलीपींस, ताइवान में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वतमाला रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में है? तो न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, ताइवान भी है, एंडीज भी है, तो आपका 71 का सब हो जाएगा, सब हो गए। निम्नलिखित कथनों पर का अध्ययन कीजिए, मध्य महासागरीय कटकों पर छिछते भूकंप आते हैं। अधिक गहराई वाले यानी उत्पत्ति वाले भूकंप मुख्यतः समुद्री ट्रेंच क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। रचनात्मक प्लेट सीमांत के क्षेत्र में प्लेटों के विसरण, प्लेटों के विपरीत दिशा में गतिशील होने के कारण दरारों के मध्य से मैग्मा निकलता है, यह तो सही है। भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के जुड़ने के कारण नर्मदा भ्रंश का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट से नर्मदा का निर्माण हुआ, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ होगा, तो इसमें असत्य कथन कौन है, तो याद कर लीजिए, यह केवल 4, यह तो पूर्णतः असत्य है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, इसमें क्या है, संसार में भूकंप का वितरण महासागरीय कटकों, द्वीपीय चाप एवं द्वीपीय तोरण क्षेत्रों, नवीन पर्वतों एवं प्रमुख विभाग क्षेत्रों तक ही
सीमित है। प्लेटों के सीमांकन में भूकंपीय पेटियों का सहारा लिया जाता है। मध्य महासागरीय कटकों पर छिछले भूकंप आते हैं, जबकि अधिक गहराई में स्थित उत्पत्ति केंद्र वाले भूकंप मुख्यतः समुद्री ट्रेंच क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। महासागरीय अभिसरण से उत्पन्न पर्वतमालाओं के उदाहरण अल्पाइन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसमें बताना है इसमें असत्य कथन कौन सा है। यहाँ देखिए, इसमें आपका जो असत्य कथन कोई नहीं है, सब याद कर लीजिए, सब के सब सत्य हैं। चौहत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें सही कौन है। मोनालवा एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, यह सही है। सिंडर शंकु प्रायः पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में मिलते हैं, तो पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र वहाँ पर सिंडर है, वहाँ पर एक तो है सन जो है वह क्या है, तो शंकु है। मृत सागर एक भ्रंश घाटी में स्थित होता था, एक और तीन सही है। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में से ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस शैल में से पी तरंगे अधिक तेजी से निकलती हैं। प्राइमरी रॉक ठोस से, हाँ सही है। एस तरंगे पी तरंगों की तुलना में अधिक चाल से चलती है, तो सेकेंडरी है, तो तेज कहाँ है, स्लो है, अतः इसमें कौन सही है। तो 75 में सही कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक, 75 का 1। निम्नलिखित पर विचार करना है, यहाँ ज्वालामुखी इंगित करता है, बताइए इसमें कथन कौन सही है, बताना है। उन सभी प्रक्रियाओं का जिसमें पिघले हुए चट्टानों के पदार्थ अथवा मैग्मा भूपर्पटी में प्रवेश करते हैं, यानी इस तरह से दो प्लेटें अगर एक दूसरे में अभिसरित होगी, आपस में मिलेगा, तो एक प्लेट जो भारी प्लेट है वह कहाँ, वह नीचे चला जाएगा। भारी मात्रा में पृथ्वी सतह की ज्वालामुखी चट्टान ने ज्वालामुखी से उद्गारित होती हैं, यह भी सही है। पिघली हुई चट्टानों के पदार्थ का पृथ्वी तल पर उद्गारित होने के बाद उनके क्रिस्टलीय अथवा अर्ध क्रिस्टलीय आकार में ठोस होने की प्रक्रिया होती है, वो सब क्या होते हैं, सब ज्वालामुखी प्रक्रिया में ही संपन्न होती है, यानी इसका सब सही है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पृथ्वी के पटल दो प्रकार के होते हैं, एक समुद्री पटल, एक महाद्वीपीय पटल। तो यह हम लोग को सही लगा, तो 77 में यह भी सही है। इसमें क्या करना है पहले देखते हैं, यहाँ मिलान करना है कि इसमें असत्य कथन कौन है। आगे देखिए, समुद्र के नीचे पाई जाने वाली समुद्री पटल की औसत मोटाई 7 किलोमीटर है, एवं यह मुख्यतः बैसाल्ट की बनी हुई है। समुद्री पटल का घनत्व तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और महाद्वीपीय पटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। महाद्वीपीय पटल का सर्वाधिक मोटा भाग महासागरों के नीचे पाया जाता है, जबकि जल का दबाव ये सह सकें। तो जो महाद्वीपीय पटल का सर्वाधिक मोटा भाग महासागर के नीचे कहाँ से आएगा, सिंपल सी बात है, तो इसमें गलत कौन है, तो 77, तो इसका चौथा जो है यह गलत है, बाकी सब सही है। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं क्या है इसमें सही बताना है। भूकंप की तीव्रता को मरकेली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मरकेली स्केल पर नापिएगा, चलिए नाप लेते हैं। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, यह भी सही है। और भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में सौगुनी वृद्धि का निर्देशन करती है, इसमें सही कौन बता है, तो इसमें सही है आपका, यहाँ देखिए एक और कौन नंबर है, 78 नंबर, तो यहाँ आपका 1, 2, 3 सही है, यह सौगुनी नहीं दसगुनी वृद्धि है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित कथनों का अध्ययन करना है, चलिए करते हैं। वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह के लिए केवल सूर्य व चंद्रमा के ज्वारीय बल को जिम्मेदार बताया था, उन्होंने बताया तभी तो उनकी किरकिरी हुई थी। और आगे देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है, लेकिन जब यहाँ केवल बात आ जाए, केवल नहीं होगा, उन्होंने कुछ यह भी बताया था कि नीचे का जो प्लेट है यह कुछ छील घिसते रहता है, इससे भी कुछ होता है, इसमें से सत्य कथन पहचानना है। महाद्वीपीय प्रवाह गुरुत्व बल के कारण पश्चिम की ओर महाद्वीपों का प्रवाह हुआ। बड़े महाद्वीपीय खंड को पेंजिया तथा महासागर के विशाल खंड को पेंथलासा, तीसरा तो एकदम सही है। वेगनर जलवायु तथा भूस्रस्वेत्ता थे, तो जब
विग्नर महोदय इनके बारे में सही कथन कौन कौन सा है? यहाँ देखिए 3 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत है। उत्तर और पश्चिम की ओर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कथन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सत्य हैं, यानी बाकी सब गलत होगा या कूट है, वो मिलान करने वाला है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से। यहाँ असीम यह महाद्वीपों एवं महासागर द्रोणियों के अस्थायित्व में विश्वास करता है। अस्थायित्व में विश्वास अगर करते तो गतियों के मान लेते, न मानते। अतः पहला क्या हो गया, इनका सही हो गया। क्या पहला है? तो पहला यह गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य अतीत के विश्व जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था, सही है। इसे सर्वप्रथम वेगनर ने प्रतिपादित किया, जो मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे। इसका विश्वास है कि आरंभ में सभी स्थलखंडों ने परस्पर जुड़कर महान स्थलखंड पेंजिया का निर्माण किया था। तो कौन कौन सही है? 2 और 4 सही है। पेंजिया था और जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना इनका उद्देश्य था वेगनर महोदय का। इसे सर्वप्रथम वेगनर ने प्रतिपादित किया, जो मूलतः एक भूवैज्ञानिक नहीं थे, वो क्या थे? तो जलवायु विज्ञानी थे। व्यवस्थित कीजिए, यहाँ नीचे दिए गए संकेत का प्रयोग करना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत, समुद्री फैलाव सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। सबसे पहले कौन आया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर महोदय का था। उसके बाद संवहन तरंग सिद्धांत हैरी हेस, फिर समुद्री फैलाव सिद्धांत आर्थर होम्स और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये नाम तो इनका टू जो विल्सन आता है, लेकिन इसमें भी संबंध किसका है? तो यही होम्स महोदय का ही नाम आता है, यदि हैरी हेस का ही नाम आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रतिबलन में अक्षीय तल झुका हुआ तथा दोनों भुजाएं समान दिशा में नामित होती हैं। शयन बलन वह है जिसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज अवस्था में, यानी लगे कि वह सो गया है, सिंबल से याद कर लीजिए। इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ देखिए केवल दूसरा वाला सही था, पहला गलत कैसे है? एक प्रतिबलन में अक्षीय तल झुका हुआ था, दोनों भुजा समान, ये तो समान दिशा में अगर हो गए तो वह प्रतिबलन थोड़े, तो अपोजिट हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य अटलांटिक कटक आइसलैंड में समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है, तभी तो वह ऊपर आइसलैंड टापू है। इसमें क्या करना है कि विचार करना है कि इसमें कौन सही है, यही होना चाहिए था, तो कुछ लिखा ही नहीं। चलिए सेंट एंड्रियास भ्रंश रूपांतरण भ्रंश है, तो दूसरा तो एकदम पक्का सही है, तो केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दक्कन ट्रैप के बारे में सही है? क्रिटेशस कल्प की समाप्ति के आसपास बिदरी उद्गार के रूप में गहन ज्वालामुखीय सक्रियता घटित हुई थी। हाँ, ये तो हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्वालामुखीय लावा क्षैतिज चादरों में फैल गया, तो यह भी सही है कि पूरा में फैल चुका है वहाँ पर। यहाँ पाई जाने वाली रेगुर मृदा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहाँ है उसमें? नाइट्रोजन का अभाव है। प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में पृथ्वी के घूर्णन कक्ष के संदर्भ में निरंतर गतिशील अवस्था में है। इस गति के निम्नलिखित कारण हैं, तो इसका कारण क्या है कि प्लेटों में मूवमेंट है। कम घनत्व के चट्टानों से निर्मित होने के कारण प्लेट नीचे स्थित मेंटल के प्लास्टिक सतह पर तैर रहे हैं। कुछ विद्वान के अनुसार प्लेट कटकों एवं ट्रेंचों के बीच गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से खींचते हैं। कटकों पर मैग्मा के जमाव के कारण प्लेटों में घिसाव उत्पन्न होते रहता है। तो 85 में सही कौन कौन है? तो 1 और 2 सिंपल सही है, यह सही न है। निम्नलिखित कथन का अध्ययन करना है, करते हैं। यह पेटी किनारी द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है, जहाँ यह परी प्रशांत पेटी से मिल जाती है। स्ट्रैम्बोली, विसुवियस, एटना, ईरान का देवबंद, इंडोनेशिया का क्राकातोआ इस पेटी के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत हैं। माउंट किनिया एवं किलिमंजारो अफ्रीकी भ्रंश घाटी क्षेत्र के महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसमें 1 और 2 सही है, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात हो रहा है, और यह तो अलग तीसरा है। वलित पर्वतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। ये खनिजों से समृद्ध होते हैं वलित पर्वत, तो क्या ऐसे आपको लगता है? नहीं होते हैं। 87 का डी होगा, यानी इसमें कोई सही नहीं है। इनमें उपस्थित दर्रों के कारण परिवहन की समस्या नहीं होती है। ऐसा थोड़े है कि समस्या है तो
समस्या तो उत्पन्न होगा ही। इनका निर्माण भ्रंश के द्वारा हुआ है? नहीं, ये तो वलन के द्वारा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं। मौनालोवा एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। सिंडर शंकु प्रायः पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में मिलते हैं, ऐसा होगा। तंजानिया का गोरो गोरो क्रेटर एक कोल्डेरा है, इसमें सही कौन सा है? तो जो आपका 88 नंबर है, इसमें सही है सी, यानी 1 और 3 सही है, लेकिन यह पूर्वी अफ्रीका में नहीं मिलते हैं शंकु। कौन सा सही है? ठीक है, सिंडर जैसा। निम्न कथनों का अध्ययन करें। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले अधिकतम ज्वालामुखी इसके किनारों पर होते हैं, जहाँ समुद्री प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे सक्रिय रूप से क्षेपित होते हैं। उत्तरी अमेरिका में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र इसके पश्चिमी किनारे पर है, जहाँ प्रशांत प्लेट का क्षेपण होता है। जब मैग्मा से लावा बहाव टेपरा ज्वालामुखी राख उत्पन्न होती है, तो ज्वालामुखी से द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इसमें से आपको सत्य कथन पहचानना है, तो गेस कीजिए। सत्य कथन इसका सब के सब सही है। 90 उत्क्रम, यहाँ देखिए, यहाँ अध्ययन करना है और देखते हैं क्या मैटर है। उत्क्रम भ्रंश खिंचाव के कारण निर्मित होता है। भिंचाव यानी खिंचाव का उल्टा भिंचाव होता है। इस भ्रंश के दबाव के कारण दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं और एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल एक ही दिशा में होती है, जब दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है, तो दोनों एक ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे धंसने या ऊपर उठने के बजाय आगे पीछे खिसकने लगते हैं। इसमें देखना है कि इसमें सही कौन कौन सा कथन है। यह भ्रंश के बारे में है, समानता लोग यही ना समझ रहे हैं, तो 90 तो इसका डी होगा, यानी इसका सब के सब सही है। निम्न कथनों का अध्ययन करना है और क्या करना है? उपर्युक्त कथन किस प्रकार के ज्वालामुखी के लिए कहा गया है, तो देखते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में गैसों की तीव्रता के कारण लावा भयानक विस्फोट के साथ बड़े वेग से बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी बादल का आकार कैसा, तो इस तरह से फूलगोभी की तरह दिखाई देता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का प्रथम उद्गार विसुवियस में हुआ था, जिसे पिल्ली ने रिकॉर्ड किया था, और उन्होंने क्या कर दिया, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया। तो पिल्ली महोदय देख लिए थे, तो क्या होगा, पिल्ली तुल्य ज्वालामुखी। यहाँ 92 से 97 तक दी क्या है, तो दो कथन दिए गए हैं, उसमें एक कथन कहा जाएगा, दूसरा उसका कारण होगा, देखते हैं। 92 कथन क्या है इनका, कि पी तरंगे पृथ्वी से इस तरंगों की तुलना में तेजी से गति करती है। प्राइमरी वेग सही है। पी तरंगे ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है, यह भी सही है। कथन भी सही है, कारण लेकिन ऐसा थोड़ा कि पी के कारण ही ये स्लो है, ऐसा कहीं कुछ कहा गया है आपको, नहीं कहा गया है। तो इसका क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ज्वालामुखी उद्गार के साथ भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होगा तो भूकंप आएगा। ज्वालामुखी से वातावरण में जलवाष्प और धूल के कणों का उद्गार होता है, तो सही बात है, ज्वालामुखी से भूकंप आएगा। और क्या, भूकंप आने से ही ज्वालामुखी जब हो, तो ज्वालामुखी उद्गार से वातावरण में जलवाष्प और धूल के कण दोनों का उद्गार होता है। इसका भी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। भूकंप से थोड़ी निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है। नवीन वलित पर्वतों को टर्शरी पर्वत भी कहा जाता है, और इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट के किनारों के सहारे हुआ है। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ देखिए, इसमें ये सही है, सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें आपका ये सही है, परंतु जो इसका कारण था यह आर गलत है, क्योंकि इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट के किनारे नहीं, विनाशात्मक प्लेट के किनारे होता है। 95 रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति भ्रंशन क्रिया से होती है। रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति कैसी होगी, तो भ्रंश क्रिया से। यह एक संकीर्ण कीर्ण गई है घाटी है, जो दोनों ओर समानांतर भ्रंशों से घिरी होती है, और भूपटल पर खंड लगभग दो समानांतर भ्रंशों के बीच के रूप से ऊपर या नीचे उठ सकते हैं, जिससे बीच में धसा भाग होता है। यही तो रिफ्ट का पूरा उदाहरण है, याद कर लीजिए, यानी ए और आर दोनों सही है। संपीडियन द्वारा द्वीप
त्वरण एवं द्वीप चाप से पर्वतों का निर्माण होता है। और दूसरा है, जब दोनों ही प्लेट महासागरीय होती हैं तो टकराव के फलस्वरूप एक प्लेट का अग्रभाग दूसरी प्लेट के नीचे प्रत्यारोपित हो जाता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या इसके नीचे चले जाने से ही ऊपर द्वीप बनता है? नहीं बनेगा, वो तो ज्वालामुखी या पर्वतों के जो टोपी है उसी के कारण तो द्वीप का निर्माण होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सागर नितल प्रसरण के साक्ष्य पर आधारित है। सागर नितल की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन लिपि चोन द्वारा किया गया था। क्या नाम है उनका? लिपि चोन। नहीं तो ये सही है कि सागर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सागर नितल प्रसरण के साक्ष्य पर ही आधारित है, लेकिन यह लिपि चोन ने नहीं किया था। याद कर लीजिए, हम लोग बार बार बोल चुके हैं कि उन्होंने किया है, आप कमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे कि UGC नेट में पूछे गए हैं, पहला क्या है, पट्टिका उपांत यानी प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंध होते हैं। कथन कारण था, अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिकाओं पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित हैं। तो क्या यहाँ देखिए, ए और आर दोनों सत्य है या उसकी यह सही व्याख्या कर रहा है? तो सही बात है, ए और आर दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की क्या है तो व्याख्या भी कर रही है। अभिसरण यानी विनाशकारी, यानी ये विनाशी, यानी ये दोनों आपस में इन दोनों का क्या होता है, वो मुठभेड़ होगा। आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है। आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग कहेंगे नति लंब। याद कर लीजिए, नति लंब। नजका पट्टल या प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ा है? तो यह अमेरिका है मान लेते हैं, तो नजका प्लेट यहीं पर था, तो यह अमेरिका में अंदर घुस गया। तो किस दिशा में नजका प्लेट बढ़ा? तो यह पूर्व की ओर इसका मूवमेंट है। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी दो प्लेटें हैं इनका मूवमेंट हुआ, तो एक प्लेट इस तरह से नीचे की ओर इंटर कर गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे अभिसारी भ्रंश, और अपसारी में वे दूर जाएंगे, सॉरी उसको क्या कहेंगे? अनयन। अनयन मतलब ये नीचे चला गया और अपनयन यानी ऊपर उठ गया, तो यही है अनयन, यानी चौथे का बी। सेंट एंड्रियाज भ्रंश है, तो यह क्या है? यह दोनों समानांतर भ्रंश है, यानी दोनों आपस में टकराते नहीं हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग? यह है रूपांतर भ्रंश। यहाँ मिलान करना है, यह विद्वान का नाम है, यह उनका सिद्धांत है, हॉल एवं डाना महोदय। यहाँ देखिए इसका डी सही है, यानी हॉल एवं डाना, यह भू अभिनदी का सिद्धांत दिए थे, हॉल एवं डाना। हटन, तो हटन महोदय ने क्या कहा? एक रूपतावाद का सिद्धांत हटन का है। हेनरी हेस, हेनरी हेस इन्होंने क्या कहा? तो समुद्र अदसल प्रसार, हेनरी हेस। और जेफरे, तो ऊष्मा संकुचन सिद्धांत जेफरे का है। यहाँ फिर कथन है और कारण है, ज्वालामुखी गतिविधियाँ और पट्टिका यानी प्लेट के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है, ये तो हर कोई जानता है, सही है। विश्व का अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित है, तो कथन और कारण दोनों सही है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, तो सही है। अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं, तो आठवें का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ देखिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन हवाई द्वीप जो ज्वालामुखी है वह इससे होता है, इससे थोड़े है कि अभिसरित प्लेट सीमा है, नहीं वो तो मेंडल प्लूम के ऊपर है। वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका? याद कर लीजिए, बार बार आता है, जेम्स हटन का है। भारतीय प्लेटों का अस्तित्व किसके कारण है? जो भारतीय प्लेट हैं इनके, भारतीय प्लेट में किसका पठार, खास दक्षिण भारत के पठार के बारे में कह रहा है, तो इसका अस्तित्व किसके कारण है? इसका अस्तित्व उन्मज्जन यानी अपलिफ्टमेंट के कारण है, यह ऊपर उठ गया। कथन है, मध्य अटलांटिक रिज के साथ साथ चलने वाले अंतःस्थल में ज्वालामुखी क्रिया को की अत्यधिक संभावना होती है। अंध महासागर में भूकंप आने का मुख्य कारण समुद्री तल का विस्तार है, तो दोनों इसमें कथन भी सही है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अतः यहाँ पर ज्वालामुखी में मैग्मा का उद्गार है और इसी कारण यहाँ पर भूकंप भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? तो भ्रंश रेखा कगार के बारे में पूछ रहा है, बताइए कैसे होगा? तो इसका सही उत्तर यहाँ देखिए, तो यह चट्टान रोध और स्थलाकृति के रूप के बीच कमजोर सहबंधन,
तो क्या बनेगा, कगार का दृढ़ अनुमानिक है, यहाँ पर कगार हो ही जाएगा। एक तरफ चट्टान है और एक तरफ स्थलाकृति रूप के बीच इनका कमजोर सा बंधन है। तो क्या हो, सिंपल सी बात है, यह इलाका था पहले तो यह ऊपर चला गया, टूट गया, और जो कमजोर वाला था वो नीचे गिर गया, ये खड़ा हो गया। अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल का प्रसार होता है, संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होती है। तो क्या ये दोनों सही है? नहीं, न तो एक सही है, नहीं कथन सही है, नहीं उसका कारण सही है, दोनों गलत हैं। 14, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है, महाद्वीप के विस्थापन के पक्ष में प्रमाण? तो क्या क्या दिया था विग्नर महोदय ने, तो सिंपल याद कर लीजिए, जिक सौ फीट यानी सारे जो प्लेट हैं महाद्वीप उनको मिला दीजिए तो मिल जाएगा, और मेंटल में संवहन, जो मेंटल है उसमें इस संवहन धाराओं का चलना, ये सब महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है। समुद्र अंतः स्थल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, समुद्र स्थल अंतः अधः स्थल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, हैरी हेस ने किया था, हैरी हेस। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है, अत्यधिक वलन हो जाए तब क्या होगा, वो टूट जाएगा, टूट के भाग जाएगा, उसको कहेंगे नेपे का निर्माण होगा। विवर्तनिकी बलों के कारण निम्नांकित में से किसका निर्माण होता है, विवर्तनिकी बलन के कारण, बलों के कारण, तो प्लेट टेक्ट्रॉनिक बल के कारण क्या क्या बन सकता है, तो भले भ्रंश घाटी तो बन जा ही जाएगा। तो 17 का ए सही उत्तर है। आगे देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य हैं, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिक्सो फिट है, प्रवाह में संवहन यह भी है, तो 18 का इस बार उत्तर UGC नेट क्या माना, इस बार 1 और 3 मान लिया, यानी इसको नहीं हटा दिया और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म को मान लिया। चलिए, उस पहले वाले में क्या देखे थे, जिक्सो फिट और प्रवाह में संवहन माना था, इस बार जिक्सो फिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म को मान लिया। समुद्र अधःस्थल के प्रसार का प्रतिपादन प्रस्तुत किया था, समुद्र अधःस्थल के प्रसार का प्रतिपादन तो किसने किया, हैरी हेस और डाइटच, हैरी हेस और डाइटच ने। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है, बताइए इसमें से कौन सा जो भ्रंश सक्रिय कगार है, तो भ्रंश के पास अध्यारोपित अपवाह हो, भ्रंश के पास क्या हो, तो अध्यारोपित अपवाह तंत्र उपस्थित हो, यानी पहले वह क्या था, इधर जा रहा था लेकिन बाद में टूट गया इधर, तो यह नदी इधर आ गया भाई, तो यही अध्यारोपित अपवाह उपस्थित हो, तो समझ जाएंगे कि वह वहाँ पर कगार है। तो आशा करते हैं कि यह आज हम लोगों ने भू संचलन से संबंधित जो टॉपिक थी, जितने सारे क्वेश्चन थे उसको देखें, अगले बार हम लोग अनाच्छादन एवं भू आकृति चक्र डिन्यूडेशन और जियोमोर्फिक साइकिल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अगर यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।